Hey guys, welcome to Mathics. Today we are going to start our second session of physics, in which we will learn about vector part 2. Basically हमने उस दिन कई चीज़ें कवर की जिसमें components of vector, direction of vector and types of vector के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे about triangle law of vector addition. ये basically resultant find करने के लिए दिया होता है, triangle law of vector addition. ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा ऑन वेक्टर. इसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये हम यूज़ करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए. रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ सपोज हमें दो वेक्टर्स दिए हुए, एक ए बार एंड एक बी बार. ये हमारा हो गया ए बार एंड ये बी बार. इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा, और ये हमारा जो हो जाएगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा. ये हो जाएगा रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू मॉड आर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार. इसी को हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सिंस मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए बार प्लस मॉड बी बार कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर. अब इसे हम ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस टू बी टू ए बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. उसके बाद आगे सॉल्व करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा. ये सिंस मॉड आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. सिंस रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. मतलब कि अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स दिए हों तो उनका रिजल्टेंट, उनके बीच में रिजल्टेंट निकालना हो. लेट सपोज दो वेक्टर्स दिए हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ये अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होगा. तो ये वेक्टर निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, दिस इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी बार. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. नाउ दैट एंगल अल्फा एंड अलोंग ए बार, ए बार की अलोंग अल्फा लेट करेंगे. सिंस टैन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए बार प्लस मॉड बी बार कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिंस अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, टैन इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. दिस इज द एंगल मेड बाई, दिस इज द एंगल मेड बाई आर विद ए. अल्फा जो हो जाएगा यहाँ एंगल हो जाएगा ये, इफ लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, देन आर आर हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी, और
थीटा जब 0 होगा तो ये दोनों वेक्टर्स इस तरह नॉर्मली डायरेक्शन में हो जाएंगे। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन आर इज इक्वल टू मॉड ए बार माइनस मॉड बी बार हो जाएगा। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर इक्वल टू रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। इसी तरह इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री देन आर विल बी इज इक्वल टू मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा आर बार। इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट आर इन द रेशियो 3:5 आर इन द रेशियो दो वेक्टर्स दिए हुए जिनका रेशियो 3:5 दिया हुआ। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंगल 60 दिया हुआ मतलब थीटा 60 दिया हुआ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट मतलब आर दिया हुआ है 35। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो ये मॉड ए दिया है हमारे पास लेट्स सपोज 3x एंड 3:5 का रेशियो दिया है तो मॉड भी हो जाएगा 5x। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 35 सिंस एज वी नो दैट मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हमें पता है सिंस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x और ये कॉस थीटा कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो ये 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर हो जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। तो 35 इज इक्वल टू 7x सिंस x इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू दिस सिंस मॉड ए मॉडल सपोज किया था 3x सपोज 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एक्स की वैल्यू 5 सिंस इट इज इक्वल टू 15 यूनिट्स एंड मॉड बी इज इक्वल टू 5x विच इज इक्वल टू 25 यूनिट्स, दैट्स द आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10 न्यूटन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10 न्यूटन एंड वेन एक्टिंग परपेंडिकुलर हैव रिजल्टेंट 50 यूनिट and when acting perpendicular have resultant 50 units. Find the magnitude of both the forces. एक हमें F1 दिया एक F2 दिया जो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इफ F1 इन द राइट डायरेक्शन देन F2 इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो हमें पता है कि मॉड F1 बार माइनस इनका दोनों का मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे
विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, 10 यूनिट, 10 न्यूटन। इसे इक्वेशन वन लेट कर लेंगे। इफ एफ वन इज इन द राइट और ये परपेंडिकुलर, ये एफ मॉड एफ वन हो गया, ये मॉड एफ टू हो गया, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका मॉड आर हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस मॉड एफ टू का स्क्वायर। सिंस ये दिया है हमारे पास 50 का स्क्वायर हो जाएगा एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर हो जाएगा। 2500 इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ वन माइनस 10 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ वन का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 एफ वन। ये हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 2F1 माइनस 20F1। ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 2F1 का स्क्वायर माइनस 20F1। ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर माइनस 10F1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर माइनस 10F1 प्लस 30F1 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेंगे F1, ये हो जाएगा F1 माइनस 40 प्लस, इसमें 30 कॉमन ले लेंगे, 30F1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास F1 माइनस 40 एंड F1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सिंस F1 इज इक्वल टू 40 एंड F1 इज इक्वल टू माइनस 30, ये दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास जो कि माइनस रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे वैल्यूज की पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन वन, वी गेट पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन वन वी गेट F2, वी गेट F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो हमारे पास F1 आ गया 40 न्यूटन एंड F2 आ गया 30 न्यूटन। यही क्वेश्चन आ जाता है समाप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड कहती है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से दो वेक्टर निकले हुए हैं जिनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लिया हुआ है, थ्रू एक्टिंग एट अ पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर वेक्टर। फाइंड दी थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा हमें फाइंड करना, फाइंड दी थीटा एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। वही है सिंपल से फार्मूला यूज करना है, आगे सॉल्व जाएगा। हमें दिया क्या क्या है इसमें, हमें दिया है गिवन दैट मॉड आर इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं मॉड क्यू आर और ये मॉड आर, एक को मान लेते हैं इसे एक्स मान लें। सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2X² कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
the sum of magnitude, the sum of magnitude of two forces, the sum of magnitude of two forces acting at a point is 18, and the magnitude of the resultant is 12, and the magnitude of the सम जो दिया हुआ 18 दिया हुआ है और रिजल्टेंट जो है 12 दिया हुआ है, एंड द रिजल्टेंट इज 12. इफ द रिजल्टेंट एट 90 डिग्री विद द फोर्स, ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड बताने, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज. वही बेसिकली इन हर क्वेश्चन में ओरिजिन उसी एक फार्मूले से, कि रिजल्टेंट निकालना है दोनों के बीच में, रिजल्टेंट निकालना सिखाया गया है. तो ये हमारे पास हो जाएगा एक वेक्टर और ये दूसरा, ये हो जाएगा इफ दिस इज एक्स, दिस इज 18 माइनस एक्स, दोनों का सम दिया हुआ है, और ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा. तो मॉड आर का स्क्वायर इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 mod f1 mod f2 cos theta हो जाएगा. 12 is equal to f1 square plus 18 minus f1 का square plus 2 f1 f2 cos theta. 12 is equal to f1 का square plus 18 minus f1 का square plus 2 f1 f2 cos theta, since which is equal to tan 90 is equal to f2 sin theta. 90 degree resultant दिया हुआ है, तो tan 90 is equal to f2 sin theta upon f1 plus f2 cos theta, which is equal to perpendicular upon base. तो ये हो जाएगा 0 infinity f1 plus f2 cos theta is equal to 0. तो f2 cos theta is equal to minus f1. ये क्वेश्चन वन में पुट कर देंगे. क्वेश्चन वन ये थी, ठीक है. सिंस 12 का 12 स्क्वायर इक्वल टू f1 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस f1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 f1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 इक्वल टू f1 का स्क्वायर प्लस 324 प्लस f1 का स्क्वायर माइनस 36 f1 माइनस 2 f1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 f1 हो जाएगा. आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2f1 इज इक्वल टू 10, तो f1 हो जाएगा 5, और इसी तरह f2 इज इक्वल टू 18 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 13, सिंस f2 इज इक्वल टू 30. आंसर f1 इज इक्वल टू 5 एंड f2 is equal to 13 आंसर आ जाता. अब एक इस तरह दिया हुआ है कि mod p plus q bar, mod p bar plus q bar is equal to mod p bar minus q bar. अब इसमें बताना है find angle between p and q, find angle between p and q bar. ये अक्सर बोर्ड फोर्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन. तो ये बताएगा mod p plus q square is equal to mod p minus q square, which is equal to mod p square plus mod q square plus 2 mod p mod q cos theta, और इधर हो जाएगा mod p square plus mod q square minus 2 mod p mod q cos theta, तो हो जाएगा 2 mod p mod q cos theta इज इक्वल टू माइनस 2 मॉड पी मॉड क्यू
कॉस थीटा, अब ये 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आंसर आ जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड v मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज मूविंग इन ईच डायरेक्शन, पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में जा रहा है। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन, आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन एंड बी पार्ट इज आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। एज वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v final bar minus v initial bar upon delta t, which is equal to v final minus v initial upon t by 4, क्योंकि 1/4 revolution पे निकालना है। हमें पता है कि जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन, t इज इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा, v से मूव कर रहा है और यहाँ से 1/4 डायरेक्शन पे आएगा, t इज इक्वल टू 1/4, ये रेडियस हो गई r, t इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी वी होगी सिंस जो हो जाएगा माइनस वी आई कैप प्लस वी जे कैप, यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी वी आई कैप माइनस जे कैप विच इज इक्वल टू अपॉन ये 2πr टाइम हो जाएगा 2πr अपॉन 4v, तो ये जाएगा 2v² माइनस आई प्लस जे अपॉन पाई आर, एक रिवोल्यूशन अपॉन टाइम, टाइम पीरियड दिया हुआ, तो ये हो जाएगा मॉड ए इज इक्वल टू 2v² अपॉन पाई आर इंटू 1² प्लस 1² ये हो जाएगा 2√2v² अपॉन पाई आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा माइनस आई कैप आएगा, ये मान लो दिया हुआ है रिजल्टेंट एंड ये नॉर्थ डायरेक्शन हुई, तो ये प्लस जे कैप सिंस विच इज इक्वल टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और सेकंड पार्ट इसी तरह हो जाएगा, सेकंड पार्ट हाफ रेवोल्यूशन पे यहाँ ले लेंगे तो बिल्कुल सेम होगा, आएगा इसका आंसर आएगा v/2 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? अ वेक्टर विद स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताए विद द रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, किसी भी फिक्स्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। A vector with specify the position of a particle, a vector with specify the position of a particle, position of a particle with respect to fixed origin, जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक यहाँ, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये ओरिजिन है 0,0,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स टू वाई टू, ये भी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन दिए हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए विच इज इक्वल टू एक्स वन माइनस जीरो आई कैप एक्स वन माइनस जीरो आई कैप एक्स वन माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई वन माइनस जीरो के कैप, मतलब कंपोनेंट ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस कंपोनेंट ऑफ इनिशियल पोजीशन विद डायरेक्शन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए विच इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, इसी तरफ हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू दिस। रिजल्टेंट के पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। सिंस ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ये हो जाएंगे हमारे पोजीशन वेक्टर। इसी तरह क्वेश्चन एक कर लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सिक्स यूनिट्स, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सिक्स यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए बी बार वेयर ए वन टू थ्री दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू टू थ्री फाइव। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा ए बी जो दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस टू के एंड ए बी बार ए बी कैप सॉरी निकाल लेंगे पहले, ए बी कैप इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस टू के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड वन प्लस वन प्लस फोर, ये कैप निकालना पता, ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन रूट सिक्स आ जाएगा ये। सिंस आर इज इक्वल टू ए बी रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा सिक्स आई प्लस सिक्स जे प्लस ट्वेल्व अपॉन इसका मैग्नीट्यूड रूट सिक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस टू के, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इफ हमें दो वेक्टर्स दिए होते हैं लेट सपोज ए एंड बी, इनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट किस तरह लिखा जाता है, जब यहाँ पर कोई भी पॉइंट दिया होता है तो इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं दो वेक्टर्स के बीच, विच इज इक्वल टू दिस आल्सो, मतलब इफ़ वी रिवर्स द वेक्टर्स, सपोज ए से चाहे बी जाए चाहे बी से ए आए दोनों का स्केलर प्रोडक्ट सेम होगा, विच इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड दिया होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। टू फाइंड एंगल बिटवीन, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, ये इफ थीटा इज इक्वल टू इफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, टू फाइंड
क्लोज एक्शन, किसी भी वेक्टर से अगर किसी भी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ ए अलोंग बी बार, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा, क्योंकि मॉड ए कॉस थीटा कैसे होगा, जैसे कोई ये वेक्टर दिया हुआ है, लेट सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है और इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो होगा ये हो जाएगी मॉड ए कॉस थीटा। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे कोई दो वेक्टर्स दिए हों इन फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, तो उनका रिजल्ट, उनका जो है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे दो वेक्टर्स दिए हुए, लेट सपोज ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी दिया हुआ है टू आई प्लस थ्री जे, ये दो वेक्टर्स हमारे पास दिए हैं। तो इसमें होता क्या है, आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई प्लस मॉड आई कैप और कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वन, सिंस आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, इसी तरह जे डॉट जे, जे डॉट जे इज इक्वल टू वन एंड के डॉट के, के डॉट के कैप इज इक्वल टू वन। बट इफ हमें दिया है आई डॉट जे, मतलब जब सेम होंगे तो वन आएगा, बट इफ आई डॉट जे, तो आई और जे और किसी भी दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90, ये जीरो आ जाएगा। सिंस आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई या कुछ भी इस तरह आएंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। इसी तरह ये रिजल्ट्स हो जाएंगे, ये तीन और इसमें छः पेयर्स जो बनेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक, जैसे दिया हुआ ए बार इज इक्वल टू फाइव आई कैप माइनस जे कैप माइनस थ्री के कैप, और बी बार दिया हुआ है आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप। हमें निकालना फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हमें फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 15 अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, तो ये हो जाएगा मॉड ए हो जाएगा 3 25 प्लस 1 प्लस 9, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास 17 अपॉन रूट 35 इंटू रूट 35, तो हो जाएगा 17 अपॉन 35, सिंस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 17/35, विच इज आंसर। अब आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। क्वेश्चन गिवन ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू जीरो एंड मॉड ए इज इक्वल टू 3, मॉड बी बार इज इक्वल टू 5 एंड मॉड सी बार इज इक्वल टू 7, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें एंगल बताना है। सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ये दिया है, तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस मॉड सी का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस अंदर आएगा, तो 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 49, तो यहाँ हो जाएगा 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे उसमें था
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसी तरह इसमें क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इफ दो वेक्टर्स दिए हैं ए बार इंटू बी बार, इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के साइन में लगाया जाता है, इज इक्वल्स टू ये आता है ए बार मॉड ए बार प्लस सॉरी मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू साइन थीटा। वहाँ पर क्या होता था मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू कॉस थीटा ईटा कैप, विच इज द डायरेक्शन ऑफ, ये हो जाएगी इसकी ईटा कैप डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर अलोंग, ऐसे बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार प्लस बी बार, या इसे एक चीज़ और बोला जा सकता है परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ये जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होता है दोनों के, सिंस ए क्रॉस बी पैरेलल टू ईटा कैप, सो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए बार। जब रिजल्टेंट जो होगा वो अगर पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू आई कैप इंटू जे कैप इंटू साइन 90 के कैप, नोट यहाँ पर लिखते हैं बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब कैसे करते हैं इसे, जैसे मान लो ये कोई एक्सिस दी हुई है और ये आई दिया हुआ है, ये जे दिया हुआ है, ये के दिया हुआ है, ये के कैप दिया हुआ है। अब हमें निकालना है आई क्रॉस जे निकालना है। आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे ये इधर को करेंगे, ये इस तरह करेंगे, बाहर को आएगा, बाहर को कौन सी एक्सिस आती है, के कैप होती है, तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू के कैप। इसी तरह जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई इधर से इधर घूमेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो जे क्रॉस आई, इस तरह से आएंगे तो जे क्रॉस आई ये गया नीचे मतलब माइनस के कैप, विच इज इक्वल टू माइनस के कैप। इसी तरह हो जाएगी जे जे क्रॉस के कैप प्लस आई कैप, इसी तरह के क्रॉस जे माइनस आई कैप, ए क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये तो ये सवाल आते हैं। उसके बाद इफ़ आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप जीरो, आई क्रॉस इसमें जो सेम होते हैं वो जीरो होते हैं, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जे क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू जीरो, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और इसे एक तरह हम और डिनोट कर सकते हैं, जैसे आई क्रॉस जे एक तो हो गया कि हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं, दूसरा कैसे निकालते हैं, आई क्रॉस जे के बीच में जैसे निकालना है हमें, तो इस तरह एक हम सर्कल सपोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। अब आई से जे करना है तो आई टू जे इधर को जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये हो जाएगा के कैप। इसी तरह मान लो हमें करना है के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस जे कैप करना है, जैसे हमें के कैप क्रॉस जे कैप ये करना है, उल्टा जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दिया है हमें सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा आई बट इन नेगेटिव डायरेक्शन मतलब माइनस आई कैप। आगे बढ़ते हैं, इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इफ दे आर इन सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, सिंस ए बार पैरेलल टू बी बार थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ये बी बार हो गया
इफ ए बार एम्प्टी पैरेलल टू बी बार, मतलब जैसे ए बार ये हो गया और बी बार ये हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड बी बार जो दिया हुआ है हमें आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप एंड ए बार बी बार आर को लीनियर देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ए बार एंड बी बार आर को लीनियर देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। सो सॉल्यूशन क्या होगा, को लीनियर्स हैं तो ए क्रॉस बी जो है जीरो हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इससे निकाल भी लें और उसको इक्वल टू जीरो कर दें आ जाएगा आंसर। एक मेथड क्या होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, पहला तो मेथड होगा कि इसका इससे जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे इसमें मैंने बताया भी कि सेम जो होंगे उनका क्रॉस जीरो हो जाएगा बट अदर्स का क्रॉस होगा, तो इसको इससे कर दें बट इस आई टू आई जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे का आई से हो जाएगा, जे का जे से जीरो हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और एक होता है डिटर्मिनेंट मैथड कि हम इस तरह डिटर्मिनेंट बना लें प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट बना लें और यहाँ पर इनके दोनों की मैग्नीट्यूड लिख दें 6 2 6 3 ये हो जाएगा 1, इनके कोफिशियंट्स लिखते हैं वेक्टर्स के कोफिशियंट्स यहाँ पर पुट कर दें और इस डिटर्मिनेंट को यूज़ कर लें, तो ये हो जाएगा आई, ये आई, ये आई है, ये जे है, ये के आई टाइम्स 6 into 6 upon lambda 3 into mu माइनस जे 2 1 3 mu प्लस के 2 1 6 lambda ये इसका ये इससे मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आई कैप 6 mu माइनस 3 lambda माइनस जे कैप 2 mu माइनस 3 और ये प्लस के कैप 2 lambda माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो और ये आ जाएगा 2 lambda माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो सिंस lambda इज इक्वल टू 3 तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 mu माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो म्यू इज इक्वल टू 3 एंड 6 mu माइनस 3 lambda इज इक्वल टू जीरो ये आ जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद ये चैप्टर होता है फिनिश। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मॉड ए बार इज इक्वल टू रूट टू, मॉड बी बार इज इक्वल टू 7 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2i प्लस 6j प्लस 3k विच इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 रूट ऑफ 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा या जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आज वेक्टर यहीं पर समाप्त होता है और हम अगली क्लास में करेंगे काइनेमैटिक्स और Stay tuned with us and be safe in this pandemic. Stay at home. Thank you. Bye-bye. Take care.